स्टॉपलेस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में तारा की बेटी के नामकरण के बाद फिर एक बार घर में बवाल शुरू हो गया है। भाई यहाँ पर जिगर ने आकर फिर एक बार सभी के साथ बदतमीजी की, जिसको लेकर सभी और रजत इसी बात पर बातें कर रहे होते हैं। जिगर के लिए वो आदमी घर में नहीं आने वाला, समझ गई तुम? उस कमीने का मेरी बहन के साथ और उसकी बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं। ऐसा हमें मुझे सब याद, उसने क्या हरकत की मैं बता देता हूँ। वो आदमी इस घर में नहीं आया, वो यहाँ पर नहीं आया। एक मिनट, जिगर यहाँ इस घर में नहीं आएगा। बस तारा के बारे में सोचिए, एक बार उसके नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। अब तक अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई, और इतना आसान नहीं होता ना कि आप एक झटके में भूल जाओ अपने प्यार को, अपने पति को। वो अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है। करवा चौथ के दिन भी मैंने उसे इतना रोते हुए देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा। पर इस बार बात सिर्फ तारा की नहीं, निया की भी, उनकी बच्ची की भी होती। डेफिनेटली इमोशनल होगी। अब तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो? तुम्हें उसकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? वो पता ना कितना घटिया आदमी है, उसने क्या हरकत की इस घर में रहके, तुम्हारे साथ क्या किया उसने? वकालत नहीं कर रही हूँ मैं उस जिगर की, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो जिंदगी भर उस नीच इंसान की ना शक्ल ना देखो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बात हमारी, बात तारा और निया की। और अगर तारा चाहती है कि जिगर आए, तो फिर हमारी मर्जी कुछ भी हो, हमें उसे इन्वाइट करना चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि हमारे परिवार की इंसल्ट ना हो। रस्म जल्दी शुरू करता हूँ। तो एग्जैक्टली ये हो रहा है कि नामकरण होने वाला है मेरी बेटी का, निया का। ये उसके लिए मैंने एक प्यार से नाम रखा था, तो अभी एक काफ़ी बड़े क्रियोस के बाद, लकी के ये सारे तमाशों के बाद, अभी मम्मी ने कहा कि कुछ मूड सबका सही हो जाएगा और हम नामकरण करते हैं निया का। तो जैसे ही नामकरण की बात आती है, तो सभी मुझसे पूछती है कि तारा तुमने कोई नाम सोचा है? तो मैं बोलती हूँ कि जिगर ने नामों की लिस्ट बना रखी है निया के लिए। तो वहाँ से शुरू होता है कि जिगर, जिगर कहाँ से आ गया? जिगर तो आएगा ही नहीं इस फंक्शन में। और मैं अड़ जाती हूँ कि जिगर अगर नहीं आएगा तो नामकरण भी नहीं होगा। तो अभी ये सारी बातें चली रही हैं कि जिगर नहीं आया तो नामकरण मैं होने नहीं दूंगी। और इसी से पता चलता है, अभी भी मैं मेरा पति मेरा देवता का गाना गा रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि जिगर आता है या नहीं। तो इसी बीच की बहस रजत और सभी में भी है कि जिगर कैसे आएगा या क्या है, वो सारे क्योस चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तारा फिर एक बार सभी पर अपनी नाराजगी जता रही है। लेकिन इस बार तारा की मम्मी ने देख ली है जिगर की सच्चाई, तभी तो वो इस बार तारा को नहीं बल्कि सभी को सपोर्ट कर रही है। इतना ही नहीं, अपनी बेटी तारा को खूब खरी खोटी भी सुना रही है। लेकिन तूने देखा ना, उसका बर्ताव आज भी वैसा है। वो तो रजत नहीं था आज, नहीं तो आज वो मार किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ उसने किया उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साफ साफ कहूँ तो रजत की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उस जैसा घटिया इंसान तेरी जिंदगी से और घर से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है, समझी? नहीं नहीं सर जी पापा, और ना ही समझूंगी। हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसा है कि मेरे पति जिगर वो कुछ रस्म को लेके स्पेसिफिक होते हैं, और वो कहते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, रस्म के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, ऐसे इस तरह से होना चाहिए। तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा और बाकी सब लोग
अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं सवी ही गिफ्ट क्यों देगी, या फिर आश का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसका इस चीज़ में लेकर, तो वहाँ पे वो चीज़ों की बहुत बहस हो जाती है जिसमें मेरे पति की भी काफ़ी इंसल्ट की जाती है। तो वो ये रस्म तो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद हम जब घर पे बैठे होते हैं और सब लोग बात कर रहे होते हैं तो मैं बहुत अपसेट होती हूँ कि मेरे पति की वहाँ इंसल्ट की गई है। वो सिर्फ एक रस्म को फॉलो करने के लिए ही तो कह रहे थे, भले ही चाहे नामकरण में किसी का भी इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो, आशका का हो या सभी का हो, जो भी हो, पर वो मेरा पति मुझे कह रहा है रस्म को फॉलो करने के लिए तो करो, तो वो चीज़ नहीं होती। ऊपर से मेरे पति की इंसल्ट की जाती है, तो उस बात से लेकर मैं बहुत अपसेट होती हूँ। और अभी वही बहस मेरे मम्मी पापा मुझे समझा रहे होते हैं कि नहीं नहीं अब रिजिगर का नामो निशान नहीं होना चाहिए इस घर में। जरा देखिए तो, मैं यहाँ पर सभी लोग नामकरण के गिफ्ट्स खोलने के लिए बैठे थे, लेकिन उसी वक्त शुरू हो गया तमाशा। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर सभी रजत और रजत की मम्मी तारा को जिगर की असलियत से कैसे रूबरू कराएंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छठी मैया की जय। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।